हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, जो खाने में तो जितना टेस्टी है उतना ही बनाने में इजी है। तो चलिए शाही पनीर के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसको हमने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे मक्खन के लिए हैं और 1 चम्मच हमने ऑयल का लिया। 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ पे दही लिया है, 1 चम्मच चीनी, 8 से 10 हमने यहाँ काजू लिए हैं और 4 बादाम लिए हैं, जिसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया है। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। 3/4 कप हमने यहाँ पे क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, जिसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया है। नमक हमने स्वाद अनुसार लिया है। 2 हमने हरी मिर्च ली है, जिसको बीच में से काट लिया है। 3 हमने प्याज लिए हैं, इसका भी हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। 4 हमने टमाटर लिए हैं, इसका भी हम अलग से फाइन पेस्ट बनाएंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। यहाँ हम बेसिक मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, जिसको हमने तवे पे रोस्ट कर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पूरा भर के हमने यहाँ देगी मिर्च ली है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का लिया है। ये हम खड़े मसाले भी देख लेते हैं। 1 हमने तेज पत्ता लिया है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है, 3 लौंग लिए हैं, 4 हमने सूखी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तो चलिए शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम ऑयल और ऑयल के साथ हम डालेंगे इसमें बटर। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमने बटर डाला है वो जले ना। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे को भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता और सारे मसाले। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज की हमने ऐसी प्यूरी बनानी है। अब हम ये डालेंगे। हमने फाइन प्यूरी तैयार करनी है, चाहे हमें थोड़ा सा पानी ही डालना पड़े। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज को हमने फ्रेंड्स ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें काजू और बादाम का जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डालेंगे। इसको हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू का पेस्ट हमारा भून गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और देगी मिर्च डालेंगे और इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें जो हमने काट के रखी थी हरी मिर्च वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसको मिलाएंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब टमाटर को भी हम अच्छी तरह पकाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भून गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें दही के अंदर जो हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया था उसको मिलाकर डाल देंगे। अब हम इसको लिड लगाकर थोड़ी देर पकाएंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बीच बीच में हम इसको स्टर करके देखते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है। शाही पनीर में जितना आपका मसाला भुना हुआ होगा आपकी रेसिपी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसमें मलाई, जो घर में हमारे मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी शाही पनीर बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसको भी पकाएंगे। अब इसके छींटे आएंगे इसलिए हम इसको लिड लगाकर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह पक गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टेस्ट में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसको मिला देंगे। और चीनी डालेंगे। आपने देखा होगा शाही पनीर में थोड़ी सी मिठास होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसको 5 सेकंड तक और भुनेंगे। 5 से 10 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, बहुत ही आराम से डालेंगे। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे ताकि जो हमारे पनीर के क्यूब्स हैं वो टूटे ना। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक लिड लगाकर पकाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं वो पनीर के अंदर तक चले जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। पानी मत डालिए, इसमें दूध ही डालिए अगर आपको गाढ़ी लगे तो। और अब हम इसको लिड लगाकर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छा हमारा शाही पनीर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। शाही पनीर हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनके तैयार है। इसको हम हरे धनिया डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा, और थोड़ी सी हम इस पे क्रीम डाल देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।